सो आई एम एट दादा महिंद्रा। प्लीज़ भाई मेरी वीडियो जो देखते हो, व्यूज़ तो आ जाते बड़े सारे, मैं इनका नंबर डाल दूंगा, इनको कॉल करके टेस्ट वगैरह ले लिया करो, आके गाड़ी भी खरीद लिया करो, कहीं से खरीदनी है बुकिंग लेनी है। सो ये लुधियाना का ग्रुप है, बड़ी बार मैंने बताया हुआ है किया मोटर्स। तो पता जितने लोग आप आते हो ना, मेरे को आसानी हो जाती है अगली बार वीडियो बनाने के लिए। अभी भी ड्राइव वीडियो इतनी लेट हो गई क्योंकि गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, कभी कुछ प्रॉब्लम थी, कभी कुछ प्रॉब्लम थी। तो जितना इनको फायदा होगा उतनी उनकी कॉपरेशन हमारे साथ बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है। सो आई एम गोइंग टू ड्राइव दिस सोनेट IMT। तो मुझे अभी पता लगा कि GDI में जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है उसमें मैनुअल आता ही नहीं है, तो उन्होंने IMT निकाला हुआ। सो दिस इज गोइंग टू सॉल्व टू पर्पजेज, वन कि सोनेट पता चलेगी कैसी है, नंबर टू आई एम गोइंग टू ट्राई कि IMT कैसा है। ऑनेस्टली इन द कॉन्सेप्ट वाइज मेरे को अब तक ये लगता था कि यार की कोई पॉइंट नहीं है एक IMT सिस्टम का, बुरा ना माना, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एन अनरिक्वायर्ड हाइब्रिड ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स। तो जैसे मतलब समझ लो, अगर आप समझ सकते हो तो पॉइंट इज कि मेरे को ये लग रहा है कि यार की इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो मैनुअल चलाने वाले लोग हैं उनको मैनुअल में ही अलग फील आती है, और जो ऑटोमेटिक चलाने वाले लोग हैं उनका ऑटोमेटिक का अलग पर्पस। देर आर टू डिफरेंट टारगेट मार्केट्स। अब आई डोंट नो इन्होंने क्या स्टडी करी है, क्या डेटा निकाला है, तो आई हैव नो क्लच हियर, आई हैव जस्ट हैव दिस मैनुअल गियरबॉक्स। आई डोंट नो हाउ इज गोइंग टू फील, बिकॉज जब मैं मैनुअल गाड़ी चलाता हूँ सो मैं क्लच के साथ भी बहुत कंफर्टेबल होता हूँ, और क्लच से भी बहुत सारी चीज़ें मतलब देर इज अ डिफरेंट वे हाउ आई ड्राइव अ क्लच ड्रिवन क्लच वाला व्हीकल। सो आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज ज़्यादातर जितना मुझे पता है आज से 7-8 साल पहले भी एक व्हीकल आया था, बाइक आई थी किसी ने निकाली थी, मुझे याद है उन्होंने ना उसकी एड भी ऐसे करी थी कि बंदे ने हाथ में सामान पकड़ा हुआ है बट वो गियर नहीं बदल पा रहा ट्रैफिक में, तो उसमें बाइक में भी गया था, मतलब क्लच लेस मोटरसाइकिल, सुजुकी कंपनी थी पता नहीं किसकी थी, वो भी फ्लॉप हो गया, ज़्यादा चला नहीं, बट उसकी मैं स्पेशली ड्राइव लेके आया था, और तब मैं आई थिंक 9th-10th में ही होऊंगा, तो मैं ऐसी शक्ल मेरी ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती थी, तो तब भी मेरे को आदत थी कि कोई भी नई चीज़ आई ना मैं जाके चलाता जरूर था। तो उसमें मैंने फील करा कि जब तुम गियर दबाते हो तो गियर की मूवमेंट से पहले ही वो क्लच ऑटोमेटिकली दबा लेता है बाइक खुद ही। सो बेसिकली उन्होंने क्लच की वायरिंग या कुछ जुगाड़ ऐसे करा हुआ था कि जब आप गियर बदलते हो तो वो गियर पूरा बदला ही जाता है क्लच दब के, और जब गियर छोड़ते हो या दोबारा नीचे करते हो तो वो भी क्लच हटा के ही होता है। फिर उसके अंदर कोई एंटी नॉकिंग टेक्नोलॉजी थी कि अगर आप तीसरे गियर में ही हो, ऊपर हो नीचे हो, तो बंद नहीं होता। आई डोंट नो ये कैसा होने वाला है, बट ऑब्वियसली अगर यही जुगाड़ है कि यार कि हर गियर शिफ्ट से पहले ऑटोमेटिकली क्लच दबा देते हैं, बिकॉज जैसे AMT गियर बॉक्सेस बने हैं कि दिस इज द मैनुअल कार, बट आपका 0.5% लोड या कुछ काम आपका वो खुद ही कर देती है मैकेनिकली, इट इज़ नॉट लाइक एन ऑटोमेटिक, ये तो ऑटोमेटिक है भी नहीं चलो, बट जो प्रॉपर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ उनका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो दिस इज लाइक अ मैनुअल विद अ जुगाड़, विद जुगाड़ डज नॉट अलाउ यू टू प्रेस अ क्लच। एंड इट्स ट्रू कि जब हम ट्रैफिक में परेशान होते हैं, मैनुअल गाड़ी से परेशान होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्लच दबाने में आती है, हमें लगता है बार बार क्लच दबाना पड़ता है, हमारा पैर थक जाता है। बट मैं मानता हूँ कि आइदर इट्स प्योर फन एंड प्योर कंट्रोल मैनुअल ड्राइविंग, और इट्स अ प्योर कन्वीनियंट ऑटोमेटिक ड्राइविंग। ऑटोमेटिक में भी आप काफ़ी हद तक अपने पैडल से ही गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो। सो आई डोंट नो हाउ दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी। और जब पहली बार मुझे IMT गियरबॉक्स का पता लगा वेन्यू में, तो मैंने भी कमेंट्स में लोगों को यही लिखा, कार्तिक सिंह की पहली वीडियो थी, तो मैंने उसको कमेंट में लिखा कि मेरे को बिल्कुल नॉन रिक्वायर्ड और फ्लॉप जुगाड़ लग रहा है, बट इन्होंने मैनुअल निकाली ही नहीं है। तो जिन लोगों ने पेट्रोल टर्बो मैनुअल लेनी है, विच इज़ लाइक अ वेरी डिजायरेबल व्हीकल, वेरी डिजायरेबल स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, और अब क्योंकि मैं भी पहले बहुत डीजल बायस्ड होता था, अब मैं भी हो गया हूँ कि यार नहीं यार की नई गाड़ी शायद पेट्रोल ही लेनी चाहिए, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीनर एनर्जी, डीजल भी ओवर ही महंगा हो गया है, पेट्रोल गाड़ियों की भी कंजम्पशन अच्छी है, एंड कहीं ना कहीं पेट्रोल में वो पंच है, और अब अगर क्योंकि टर्बो पेट्रोल आ गए हैं तो आपको पेट्रोल वाला लैग भी नहीं मिलता, और टर्बो वाला मिड रेंज भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, जो नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी में सिर्फ ये होता था कि जब आप इनिशियल रेस होती है वही अच्छी होती है, बाद में आकर बेचारे मर जाते हैं, बट टर्बो पेट्रोल्स में उन्होंने दोबारा फन भी डाल दिया, वो टर्बो किक इन भी डाल दिया, एंड इट्स लाइक बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड। सो अब आई एम ऑल्सो उधर होगा कि नहीं यार पेट्रोल वाले भी होने चाहिए। तो अभी मैं पेट्रोल IMT चलाने लगा हूं, सोनेट एंड डीजल वाली ऑटोमेटिक इसके बाद की ड्राइव है। सो आई डोंट नो, शायद दो मोस्ट प्रोबेबली दो अलग अलग वीडियोज होंगी, सो लेट्स सी हाउ इज गोइंग टू बी। और एक और सरप्राइज सबसे अच्छा है कि फ्री स्टाइल की मेरी एक वीडियो थी जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो फ्री स्टाइल वीडियो में जिन सज्जन जी ने हमें ड्राइव करवाई थी वो उस टाइम फोर्ड में थे, आज वो सज्जन जी हमारे साथ किया में आ गए हैं, तो वो भी हमारे साथ बैठने वाले हैं। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली उनका मन नहीं होगा वो वीडियो के बाद दोबारा हमारे साथ एक वीडियो वाली ड्राइव करने का, बिकॉज तब उन्होंने मन से में बहुत गालियाँ निकाली थी उस टाइम, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी मेरे साथ वेरी ऑसम ड्राइव, बट आई है लेट्स सी हाउ इट गोइंग टू बी। बट आई एम गोइंग टू, अब मैं गाड़ी थोड़ी कम रेस्ट चलाऊंगा क्योंकि डीलरशिप वालों को भी फिर प्रॉब्लम होती है यार कि तुम गाड़ी में सही से चलाते हैं, एंड आई रियलाइज कि इनसे रिश्ता बना के रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही लोग हैं जो जल्दी वीडियो लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, ओके बाय। सो दिस इज़ न्यूट्रल, मेरे पैर में कोई वो नहीं है, इसमें एम्बिएंट लाइटिंग है, आई डोंट नो है या नहीं है, पंखा थोड़ा कम, सो आई पुट रिवर्स एंड क्लच क्योंकि नहीं है हमारे पास छोड़ने के लिए, तो नॉर्मली मैं थोड़ा सा क्लच छोड़ता हूँ, गाड़ी अपने आप क्रॉल करती है। सो अभी मैंने इसमें ब्रेक पे रखा, तो जैसे मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो कार अपने आप क्रॉल करने लग जाती है। सो इट्स ऑलरेडी क्रॉलिंग, वी आर इन रिवर्स, एवरीथिंग इज ओके, पीछे कोई भी नहीं है,
So this is how it's going to be. So in IMTM you have creep feature also. That's a good thing. Now we put it in first. बड़ा अजीब सा लग रहा है बिना उसके ही क्लच दबाए गियर छेड़ता रहना. मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और जब हमें गाड़ी चलाने बिल्कुल नहीं आती थी और गाड़ी से खेलने का शौक बहुत था तो मैं लेफ्ट साइड पे बैठ के बंद कार में ही ऐसे ऐसे गियर डालता रहता था जो बाद में पता चला हानिकारक होता. अब आई डोंट नो इसमें कैसा है. फर्स्ट गियर जस्ट लीविंग द. अब इसमें नीचे अंधेरा पता लग रहा है तो मैंने सिर्फ अभी ब्रेक छोड़ी है एंड द कार इज क्रीपिंग. दिस इज अ गुड थिंग क्योंकि ट्रैफिक में क्रीप मोड ऑटोमेटिक की पहली ऐसी चीज़ है या सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि आपको रेस नहीं देनी होती सिर्फ ब्रेक छोड़नी होती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस इज हेयर इन दिस कार. सो आई डोंट नो नेक्स्ट आगे कैसा होने वाला है. सबसे बड़ा मज़ा आएगा कि जब तुम ऑन द ड्राइव ऑन द फ्लाई गियर चेंज करोगे कि वो कितनी फ्लुएंटली होने वाले हैं और कितना अच्छा फील होगा. And unfortunately, Simrat ji नहीं आए. This is Yogi ji from Dada Kia, and we are going to drive this. और मेरे को strict instructions दी गई हैं कि rash नहीं चलानी. But don't worry, we will test the suspension and everything, but प्यार से. And the engine is refined, everything is okay. Now I am just creeping, crawling, whatever makes it. स्टीयरिंग बड़ा ही मजेदार है घुमाने में. फ्लाईओवर कहाँ से चढ़ा जाएगा यही से. नहीं नहीं आगे आगे. ओके गुड गुड. वहां पर शो हो रहा है कि अगला गियर डालो. अच्छा मुझे ऑटोमेटिक ही बहुत अजीब लगा बिना क्लच के गियर बदलने में. ऐसा लगा कि हम गलत कर रहे हैं कुछ. वहां पर साइन आ गया कि 1 से 2 पे जाओ. आई एम एट 2 नाउ. लेट्स सी नॉकिंग होती नहीं होती. हम जस्ट एट 2 मैंने रोक ली गाड़ी. अब मैं 2 पे अभी टूं टूं कर रहा है. अब मैं 2 पे ही हूँ. स्पीड 0. सामने बहुत ट्रैफिक है. अच्छा ये टूं टूं कर रहा था. फ्रंट सेंसर ऑन है इसके जी. तो ये 2 पे ही हम आराम से इसको 0 से पिक कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं आ रहा है. ऑन द स्क्रीन फ्यूल इकोनॉमी का आ रही है 7.9. तो क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है इससे अपना 20-30% ज़्यादा लगा लो. टू पे बहुत आराम से पिकअप हो रही है. मुझे 1 डालना नहीं पड़ रहा. ये भी कट ये है जगह ना. नहीं 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 लग जाएगी रहने का. अच्छा लेट्स सी. पहली थोड़ी सी सड़क खराब आ रही है. हाउ इट फील्स. ओके सो इट फील्स कंप्लायंट. डेफिनेटली नॉट सॉफ्ट विच आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे सॉफ्ट सस्पेंशन ज़्यादा पसंद नहीं है जैसे i20 वगैरह की हैं. आई कुड फील द बम्प. मतलब झटका नहीं लगा बट आई कुड फील दैट द सस्पेंशन इज मैच्योरली सेटअप. मैं दूसरे गियर में ही चल रहा हूँ अभी. ओए क्या लाइट का थ्रो है जबरदस्त. रियली फीचर लोडेड कार. आई एम जस्ट इन सेकंड गियर. ऑटोमेटिक की फील ही ले रहा हूँ. जब तक गियर बदल नहीं होता तब तक याद नहीं आता कि दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक. सेकंड में आराम से चल रही है. इवन द हॉर्न इज गुड. दूसरे पे चल रहे आराम से. मेरा गला थोड़ा खराब है. मैं ज्यादा घूम के आ गया हूँ. एक सेकेंड. स्टीयरिंग बड़ा अच्छा लग रहा है. वेग नहीं है. इट इज गुड. आई डोंट नो विद स्पीड वेट का क्या होता है बट अब तक इट फील्स रियली गुड एंड ओके. ये नहीं है कि लूज है या वेग है या पता नहीं लग रहा. सो इट फील्स डायरेक्ट एंड हैज अ गुड फीडबैक. कार स्टिफ है सस्पेंशन विट इज़ गुड क्योंकि हाई स्पीड पे जब आप ज़्यादा स्पीड पर चलाते हो तो स्टिफ सस्पेंशन वाली गाड़ी कम हिलती है और ज़्यादा स्टेबल रहती है. और इसमें हाईवे पे भी कट काटने में या कुछ भी करने में इजी रहती है. सो ये एक और ख़राब सड़क है. लेट मी से कोई गाड़ी में आवाज़ नहीं आई कुछ नहीं आई. तो द सस्पेंशन इज क्वाइट मैच्योर. मुझे एक्स यू 300 की ड्राइव आ गई. अच्छी पिकअप हो रही है गाड़ी. ओके नाइस पिकअप. मैं दूसरे गियर में गियर ही नहीं बदल रहा. आई थिंक ट्रैफिक में आप ऐसे ही चलाई जाते हो. दूसरे गियर में चलाई जाओ आराम से. सो आपको बहुत अच्छी स्पीड तक आराम से बहुत कंफर्ट मिलेगा. सो मैं दूसरे में पिकअप ले रहा हूँ. 30 के बाद आया कि तीसरा डालो. बड़ी आराम से जा रहा है. धीरे धीरे शोर बढ़ रहा है. पिकअप भी बढ़ रही है. अब जाके मुझे लग रहा है खींचना नहीं चाहिए. तो 60 तक तो दूसरे गियर में आ गया. मैंने तीसरा डाला जो मुझे बहुत अजीब सा लगा. मुझे ऐसा लगा मैंने धक्का करा कार के साथ बिना क्लच दबाए. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद. सो IMT के साथ आपको आई थिंक
कंफर्टेबल होने में टाइम लग सकता है. सो द कार सस्पेंशन इज मैच्योर एंड स्टिफ एंड इट्स फन. आई एम एट 16 नाउ, मुझे मजा आ रहा है. इट्स क्वाइट कॉन्फिडेंट. अब मैं तीसरे में ही हूँ. सो तीसरे में ऐसा लग रहा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ रोड एंड कवरेज पिकअप है. सो द आरपीएम इज 2500. सो द टर्बो इज देयर. गुड 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 गुड. रिड्यूस स्पीड ऑफ 30 का. तीसरे गियर में काफी आगे तक चला गया. 100 पे भी चला गया. मुझे लग रहा है चौथा डाल लेना चाहिए. तो गियर जब मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरे को गियर चेंज करने में थोड़ी हेजिटेशन फील हो रही है. ऑब्वियसली ये क्लच दबा रहा होगा खुद, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा. मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा कि मेरे गियर चेंज करने के बीच में कोई मैकेनिकल और भी चीज हो रहा है. आई एम एट 4th. तो आई थिंक IMT इज अ प्रीटी गुड थिंग. बट पता नहीं गियर चेंज करने में आई एम फीलिंग कि एक मैनुअल गियर बॉक्स जब आपने क्लच पूरा दबाया होता है ज्यादा स्मूथली गियर शिफ्ट कर लेता है. आई एम एट 4th. आई एम वेरी स्मूथ. स्टीयरिंग इज रियली गुड. इट्स अ वेरी फन टू ड्राइव कार. मजा आ रहा है. धीरे धीरे चल रही है मेरे पे. The steering is really good, quite mature. Height भी काफी अच्छी है. मतलब मुझे एक proper SUV feel आ रही है. अब मेरा मन है ऊपर चढ़ा लूँ. क्या होगा? I would have been more comfortable अगर ये automatic ही होती सीधा. Because it is driving like an automatic. मतलब क्योंकि already clutch नहीं है, कुछ नहीं है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग माई सबकॉन्शियस माइंड सेइंग कि अच्छा आप स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली गियर विल मतलब अपना गियर छोटा हो जाएगा बड़ी. मतलब मेरा मन सिर्फ रेस और ब्रेक दबाने को कर रहा है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक्स काफी चलाता हूँ. इसलिए आप जैसे मुझे रिलाइज हो रहा है कि मेरे को स्पीड जैसे मैंने कम कर ली तो 4 से 30 रुपये जाना चाहिए था. बट चलो 4th में आराम से पिकअप हो गया. सो एक्सपेक्ट कि जब आप IMT चलाओगे आप गियर बहुत कम चेंज करोगे. आप ज़्यादातर कोशिश करोगे कि आप जिस गियर में उसमें रहो. तो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है जिनकी पूरा जोर यही होता है कि रब ना करे हमें. मतलब वो भगवान का नाम लेते हैं कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें गियर ना बदलना पड़े. जैसे मर्जी खराब सड़क हो कुछ भी हो उन्होंने कहना तब भी चलो बस गियर चेंज. अब मैं अचानक ही क्लच के लिए पैर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा स्पीड कम होगी. आई एम एट न्यूट्रल. आई केम एट 2. ये थोड़ा मुझे अनकन्वेंशनल लग रहा है. सस्पेंशन बढ़िया है. सस्पेंशन इज गुड. कोई बॉडी में नॉइस नहीं, कुछ नहीं. स्टिफ होके भी मैच्योर है. हमने गियर बदलते फिर अजीब सा लगा. एनीवे सस्पेंशन बहुत अच्छी है. कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं. इट्स वेरी कंप्लायंट, वेरी मैच्योर. और गाड़ी आपकी शेक नहीं हो रही, हिल नहीं रही. एक्स्ट्रा एक्सट्रीमली सॉफ्ट नहीं है. बहुत मजा आ रहा है. पुट एट 2. अब यही मुझे अजीब सा लग रहा है. मेरे को लग रहा है कि मैं एक ऑटोमेटिक कार को टिप्ट्रॉनिक करके चला रहा हूँ जिसमें ऑटोमेटिक एक्चुअली ऑप्शन है. मतलब अगर ये ऑटोमेटिक होता तो मैं इसको डी में शिफ्ट करके आराम से चला रहा होता. सेकंड गियर फुल रोड एंड आई गिव फुल थ्रॉटल टू द कार. पैंतालीस सौ आरपीएम के बाद ही वाइब्रेट करने लग जाती थोड़ी. क्या हुआ बाद में काफी अच्छी थ्रॉटल की आवाज है. सो इट वेंट टिल 90 शायद. आई एम पुटिंग इट 3 फॉर अ लिटिल स्मूदर एक्सपीरियंस नाउ. सो सेकंड से लेके 4500 तक इट हैज अ वेरी गुड पंच. उसके बाद थोड़ा नॉइजी हो जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि आई शुड पुट एन अबव गियर. यार क्या गाड़ी की स्टेबिलिटी है. क्या बात है, क्या बात है. अल्टीमेट एक्सपीरियंस. 4500 पे आई एम शिफ्टिंग टू 4th. आप शायद और ऊपर लेके जा सकते हो बट मेरा मन नहीं है रफ चलाने का. क्या बात है यार, व्हाट स्टेबिलिटी. कोई बिंडा ज्यादा नहीं है. मेरे को अपने बोलने के बाद ऊंची नहीं करनी पड़ी. क्या बात है, लोग कहाँ पर सड़ोए हुए. पीपल आर क्रॉसिंग द रोड एट दिस हाईवे मैन. बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई थिंक अभी हमने 6-speed डीजल ऑटो भी चलानी है. उसमें थोड़ी ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि अभी इट वॉज मोर अबाउट IMT. बस पता लग गया यार. इट्स प्रीटी सॉलिड, प्रीटी सॉलिड. सी अब आई एम टोटली कॉन्फिडेंट. अब मेरा पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया गाड़ी. ये गियर बॉक्स से थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल हूँ. अब जैसे न्यूट्रल कर दिया मुझे पता नहीं लगा. बट कार इज वेरी इजी टू हैंडल, वेरी इजी टू ड्राइव. अब मेरे को ऐसा लग रहा है आई नो दिस कार कंप्लीटली. सो दिस इज अ खराब रोड. लेट अस सी हाउ इट गोज. कोई आवाज नहीं आ रही बॉडी में से.
सस्पेंशन स्टिफ होने के बाद भी मैच्योर है, जैसे कोई बड़ी गाड़ी की होती है। इस सेगमेंट की किसी कार में भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। तो थोड़े कम वाले अंडुलेशन तो ऐसे ही आराम से निकल जाते हैं। वंडरफुल पैकेज यार। गियर बॉक्स करके मैं थोड़ा उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा कार के साथ, बिकॉज मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को कह रहा है मिलन क्लच दबा के गियर बदल दे, क्या क्यों कर रहा है। बट अदर देन दैट द प्रोडक्ट इज एक्सट्रीमली गुड, वेल बैलेंस्ड। और मेरा वेन्यू से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, वो थोड़ी मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी जब खराब सड़कों से निकल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी हिल गई। दिस इज एमजी शोरूम। गियर बॉक्स आगे निकाल लेता मैं, मेरे को गियरों का कंफ्यूज हो गया। सो नाउ आई एम अगेन ऑन ऑटोमेटिक मोड बिकॉज क्रीप कर रही है। सो इट इज पेट्रोल प्लस टर्बो, तो तभी जितनी टर्बो पेट्रोल गाड़ियां सारी बहुत मजेदार हैं। क्या पिकअप है, अगेन खराब सड़क और बहुत मैच्योरली निकली है, बहुत मैच्योरली निकली है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ दिस कार। तो दिखने में बहुत सेक्सी और वो हो सकती है कि यार की शायद कच्ची होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइविंग में इट्स अ वेरी मैच्योर एंड सॉलिड व्हीकल, बहुत सॉलिड फील आ रही है इससे और बहुत प्लायंट है। एको स्पोर्ट से ज्यादा प्लायंट है। एको स्पोर्ट की फीलिंग जब आप खराब सड़क से निकलते हो यू फील काइंड ऑफ लिटिल रफ, इसमें ऐसा नहीं है, इट इज मोर कंफर्टेबल। इको स्पोर्ट फील सॉलिड बट इट फील्स लिटिल रफ, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि गाड़ी की बॉडी थोड़ी सी शेक कर रही है। प्लीज शिफ्ट डाउन। आई वाज ऑन थर्ड गियर और थी मैं ऑटोमेटिक वाले जोन में आ गया था, सो थर्ड गियर से 15 की स्पीड तक आया था, उसमें प्लीज शिफ्ट डाउन का वो आ गया कि जरूरत से ज्यादा नहीं आप एक गियर को ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं। टर्बो किक्स इन एंड दिस कार गोस। कुछ नोटिस करा आपने अब तक? अब मैंने बिना रेस छोड़े ही गियर बदल दिया, फिर मैं बिना रेस छोड़े चौथे तक डाल रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा लगा ऑब्वियसली। तो नोटिस करने वाली ये बात है कि अब तक इस कार में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। तो ये सर्विस लाइन पे बहुत फास्ट हो जाऊंगा, कुछ नहीं पता यहाँ पे बंदे आ जाते हैं कहीं से भी। द कार इज टेलिंग मी टू स्पीड अप बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल। क्या बात, क्या बात है। ब्रेक्स आर ऑल्सो अमेजिंग। वेरी मैच्योर सस्पेंशन। क्या हुआ था, बस मेरे को इसकी IMT से प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट्स ओके। अब ये दूसरे में नहीं आया रेस देखते थे, बट आई वुड लव टू हैव दिस कार इन अनदर ट्रांसमिशन। डीजल ऑटो इज डेफिनेटली प्रेफर्ड, लेट्स सी चला के क्या लगेगा, बट दिस इज अ वेरी वेल पैकेज्ड कार यार। इसमें वो Hyundai वाली सपलनेस है, Hyundai वाली प्रीमियमनेस की, जिसमें आपको अंदर गाड़ी में शोर नहीं आता, सस्पेंशन जैसे मर्जी निकले आपको अंदर नहीं पता लगता कि नीचे से कोई भी, मतलब रोड नॉइज जीरो है। आप यहाँ क्या नाम है खड्डों में से निकलते तो इतनी ऐसी नॉइस आती है कि बस सब कुछ कुशन्ड है। एंड देन इसमें Hyundai वाला लूजनेस नहीं है, मतलब वो प्रिसीजन है जो Hyundai में नहीं होता और बाकी गाड़ियों में होता। क्या बात, सच अ वेल पैकेज प्रोडक्ट। I hope they had this turbo petrol in manual also, because I'm loving the engine. The engine is really nice. इसमें manual नहीं आती ना ये turbo petrol में? नहीं, मतलब मैंने पक्का AMT आएगी।
बट मे बी दिस इज द गियरबॉक्स ऑफ द फ्यूचर, मे बी लोग यही करने वाले, बट मेरे को लगता है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल के बीच में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एएमटी मुझे डेफिनेटली फिर भी सही लगता है। स्टेबिलिटी यार, मजा आ गया। कोई गाड़ी में शोर नहीं आया, कोई ऐसा नहीं हुआ कि तुम कहाँ गाड़ी लेके हो, ये नीचे से लग रही है या सस्पेंशन का नॉइस है कुछ। इट वाज एक्सट्रीमली गुड एंड विद सच टर्बो एंड पावर, बहुत मजा आ रहा है। ये कि 4,400 तक जाके इट लूज स्टीम, बट इट हैज अमेजिंग मिड रेंज। सो इट्स लाइक वन थिंग दैट आई लव्ड अबाउट डीजल्स हैज कम इनटू पेट्रोल्स आल्सो नाउ। माइलेज डेफिनेटली इसकी डीजल्स को कम ही होगी। अब मेरे को सड़क पे गाड़ी स्लो करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं स्पीड पे कम करने की जरूरत नहीं पड़ रही, गाड़ी बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं हो रही। दिस फील लाइक बेस्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, दिस इज समथिंग टू से यार, दिस कार इज सो इंप्रेसिव। अब अगर मैं अपना पेसिमिस्टिक माइंड भी लेकर आऊँ, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लग रहा है इसमें। मेरे को ना भैया ने गाड़ी पे बैठते ही बोला, कहते यार सर प्लीज पॉजिटिव बताना। मैंने कहा सर मुझे चांसेस कम लग रहे हैं अब तक, जो मैंने रिव्यूज देखे भी हैं, बट फिर भी मैंने कहा सर कुछ होगा तो मैं जरूर बोलूंगा, बट कुछ भी नहीं मिल रहा। जस्ट लाइक एनी अदर एसयूवी, मेरे को खराब सड़क देखते ही मन करता है वहां से भगा लो। जस्ट माय ओल्ड इको स्पोर्ट डेज, मतलब मैं नॉर्मल सड़क को तो चला ही नहीं पाता, मेरे को इधर ट्रैफिक है चलो बहाना चाहिए था ऑफ रोडिंग करने का, और इसमें भी वही मन करी जा रहा बार बार। दिस इज ऑल्सो वेरी कंप्लायंट, WRV बिल्कुल नहीं करता था मैं। जब भी अपनी फ्रेंड की बॉर्डर करके कहीं लेके जाता था, बोलता तो नहीं है इसको सड़क पे ही रखो, सड़क पे रखो, या अगर ऑफ रोडिंग करनी है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिए बहुत प्यार प्यार से निकाल लो। सिमिलरली फॉर ब्रेजा, ब्रेजा में भी अगर मैं होता था तो मेरा मन नहीं करता था खराब सड़क चले जाओ, मुझे डर ही लगता था, मैं कहता हिल हुल जाना है। तो सॉलिड बिल्ड क्वालिटी इस सेगमेंट में बहुत मिसिंग है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिक रही है वेन्यू और ब्रेजा। वेन्यू में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था यार कि जब कोई खड्डा आता है कुछ आता है तो गाड़ी अनस्टेबल हो जाती है। आई थिंक मैंने एक ही बार चलाई है ना, पैसे फिर आई थिंक आई नीड टू स्पेंड मोर टाइम विद इट, बट ब्रेजा और बाकी गाड़ियों में उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्सॉन ओवर ही सॉफ्ट है, तो ये फील अब तक मेरे को इको स्पोर्ट और सिर्फ उससे आई, XUV300 से, दिस इज थर्ड व्हीकल जिससे वो फील आ रही है। अगर खराब सड़क पर दब दोगे तो ये नहीं कि कुछ क्रैश कर जाएगा, टूट जाएगा, बट दिस IMT वाली चीज मेरे गेम्स खेल रही है, मेरे थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही है, बिकॉज मैं रेस और ब्रेक ऐसे दे रहा हूँ, मेरे को यही फील आ रही है कि आई एम ड्राइविंग ऑटोमेटिक। बट अचानक ही वो सामने बोलने लगा था कि ऊपर करो नीचे करो गियर। अभी ज्यादातर मैं एक ही गियर में हूँ, आई एम इन सेकंड गियर एंड आई एम पुशिंग इट इन दैट गियर। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग कि इफ यू आर ड्राइविंग एन IMT तो आपकी काफी गियर शिफ्टिंग, बिकॉज शहर में अब ज्यादातर 40, 50, 60 तक ही जाने वाले, तो पीपल हू लिव इन मेट्रो लाइक इन दिल्ली वगैरह जिनके लिए IMT बना है, सो दे विल बी रियली। अब मैं दिल्ली में सियाज लेके जाके बहुत खपता हूँ, मिस माई डिजायर चाहे वो AMT थी, बट ये मुझे पता इट गिव्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट अन ऑटोमेटिक। प्लीज शिफ्ट डाउन आ रहा था चढ़ाई पे, बिकॉज मैं सेकंड पे चढ़ी आ रहा हूँ। सो फॉर द मोस्ट पार्ट आप सेकंड गियर में काफी गाड़ी चलाते रहोगे, विच इज अ वंडरफुल थिंग। सो वी आर बैक एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर द डीजल ऑटोमेटिक जो सामने आ गई है, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन एंड द ओवरऑल वॉट फीलिंग आई गॉट फ्रॉम दिस ड्राइविंग AMT एंड ऑल्सो माई फर्स्ट ड्राइविंग इंप्रेशन ऑफ सॉनेट एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड। नाउ लेट्स वेट फॉर द सेकंड वन। बाय।